अब हम करने जा रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स। तो इसकी एज सच कोई थ्योरी नहीं है, ये वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन का ही एप्लीकेशन है। जैसा हमने रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स में किया था या जैसा हमने एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स में किया था, वैसा ही काम हमको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर बात हुआ करेगी तीन एंटिटीज की, रेन मैन एंड ग्राउंड, और इसकी करस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन इस तरह की होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन है। और रेन और मैन ये दोनों मूविंग बॉडीज, और एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनादर मूविंग बॉडी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये फॉर्मूला यूज होगा। साफ तौर पर ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके ये हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ हमें याद क्या रखना है, उसे आप ट्रिक कह सकते हैं। ट्रिक ये है कि ये क्वांटिटी रिजल्टेंट होगी हमेशा, और रिजल्टेंट होगी इसलिए यदि हम ट्रायंगल रूल लगा रहे होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यदि हम ट्रायंगल रूल यूज कर रहे होंगे तो उस ट्रायंगल में वी आर का डायरेक्शन इन दोनों की डायरेक्शन से अलग होगा, इनका होगा ऑर्डर सेम, क्योंकि ये वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। क्योंकि आप इसको यदि ट्रांसपोज करोगे वी एम को इधर, तो क्या लिखेंगे, वी आर इज इक्वल टू वी आर एम वैक्टर प्लस वी एम वैक्टर, मतलब ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे होते हैं और ये रिजल्टेंट होता है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, सेम ऑर्डर में होगी, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ऑर्डर में होगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे तो ये सवाल आपको बड़ी आसानी से बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये वो वेक्टर ट्रायंगल है, सपोज हम इसको यूज कर रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये है रेन की वेलोसिटी और इसे हमें रिजल्टेंट बनाना है, और रेन यदि वर्टिकली फॉल हो रही है सपोज, तो और वो वर्टिकली ही फॉल होती है, तो ये हो जाएगा वी आर वेक्टर का डायरेक्शन, और यदि इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आपने शो कर दिया है तो अंडरस्टूड है कि इसका और इसका डायरेक्शन इससे अलग होगा, ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। तो हमको वी एम इस तरह से शो करना पड़ेगा, दिस इज वी एम वैक्टर, दिस इज वी एम आर वैक्टर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये दोनों हो जाएंगे सेम ऑर्डर में और ये आ जाएगा ऑपोजिट ऑर्डर में। इस तरह ये वेक्टर ट्रायंगल बनाकर हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो याद क्या रखेंगे, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, इसे रिजल्टेंट बनाना है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जैसे यहाँ दिख रहा है ये दोनों क्लॉकवाइज, और ये ऐसे नहीं ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वी आर की डायरेक्शन ऑपोजिट रखना है। अब हम ये बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल सॉल्व करेंगे, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या गिवन है हमें, हमको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वो 10 मीटर पर सेकेंड, और बताया है कि वर्टिकली फॉल हो रही है, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन। एंड अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन, सिर्फ मैन बोला है मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मैग्नीट्यूड है 6 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम राइट या लेफ्ट कहीं भी ले जा सकते हैं। आगे पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट, मतलब हमको क्या फाइंड करना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब उसको मैन को क्या लगेगा, किस डायरेक्शन से आती हुई लगेगी रेन, वो हमें फाइंड आउट कर रहा है। मतलब वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हमारा एजेंडा है, ये हमको फाइंड करना है, इसकी डायरेक्शन हमको फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड नहीं सिर्फ डायरेक्शन। तो हमको पता लग जाएगा कि उसको किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला होल्ड करना होगा। तो हम सबसे पहले अपना वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे, वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसको हमें रिजल्टेंट बनाना है और वी आर हमें गिवन है, तो हम ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज वी आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 10 हमको गिवन है, ये हमने बना लिया वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर, और मैन और इसका आर एम और मैन इनकी डायरेक्शंस सेम और इससे ऑपोजिट होंगी, और ये हमने ऑलरेडी शो कर दिया इधर, तो मैन को हम ऐसे शो कर लेंगे, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन,
जो हमको मैग्नीट्यूड में 6 गिवन है, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी इसकी डायरेक्शन निकल आई। अब ये कुछ और नहीं, राइट ट्रायंगल है, हम इसमें डायरेक्शंस असाइन कर देते हैं, पहले डायरेक्शंस डिसाइड कर लेते हैं। ये क्या होगा, अलॉन्ग ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, और ये वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ भी ये वर्टिकल ड्रॉ किया जा सकता है, और ये एंगल हमें बतला देना पड़ेगा, और वो बारिश से बचने के लिए अपने छाते को इस तरह होल्ड करेगा वर्टिकल से इस एंगल पर, यानी ये हमें थीटा फाइंड आउट करना है। अब आगे इसमें ना तो वेक्टर जैसी कोई बात रही और ना तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसी कोई बात रही। एक बार ये इक्वेशन देखकर, ये फिगर बनने के बाद, अब सिंपल ज्योमेट्री लगानी है, ये थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी, और ये एंगल हमको बताना है, तो हम इसका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचेंगे, क्या लें हम, साइन कॉस टेन। तो यहाँ पर हमको क्या क्या पता है, ये मालूम है दिस इज 6, दिस इज 10, और यहाँ 90 डिग्री है मतलब ये परपेंडिकुलर, और ये बेस है मतलब हमें टेंजेंट लेना होगा, तो हम निकाल लेंगे टैन थीटा, तो टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर विच इज 6, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस 6/10 मतलब ही 3/5, तो हम अपना आंसर ऐसा बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 10 inverse 3/5, और फाइनल आंसर लिखेंगे हम कि ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल 10 inverse 3/5 विद वर्टिकल, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन मूविंग विद 5 meter per second ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 meter per second। अब अ मैन मूविंग विद 5 meter per second मतलब हमको वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है 5 meter per second। एक बात आगे ये लिखा हुआ है, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली, मतलब ये रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है बल्कि है ये विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसको लग रहा है कि रेन वर्टिकली फॉल हो रही है एट द रेट ऑफ 10 meter per second, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, और इसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है 10 meter per second, और डायरेक्शन बताई हुई है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये दो हमको गिवन है। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब हमको वी आर वैक्टर फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी और इसकी डायरेक्शन भी। तो फिर से वैसा ही सवाल हुआ, क्या करेंगे हम, अपनी वैक्टर इक्वेशन लिखेंगे, वेलासिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलासिटी ऑफ रेन माइनस वेलासिटी ऑफ मैन, और ये दो वैक्टर्स हमको पता है, हमको फाइंड ये करना है, हमको फाइंड ये करना है, और हम इस वेक्टर इक्वेशन से जानते हैं कि ये रिजल्टेंट इन दोनों की डायरेक्शन सेम, उसमें से आरएम की डायरेक्शन हमको मालूम है, ये है वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वी आर एम वेक्टर, और ये वी आर एम वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड ये हमको 10 गिवन है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मैंने इसको बना दिया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वर्टिकल डायरेक्शन, और मैन को भी इसी डायरेक्शन में हमें रखना पड़ेगा, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, मतलब मैन को या तो हम इधर दिखाएंगे और या फिर यहाँ भी दिखा सकते हैं, इस तरह जाता हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट, ये हो गया मैन, और इसका मैग्नीट्यूड है 5 meter per second। एक ही बात है, आप इधर भी शो कर सकते थे उसे, तो ऐसा बनाया जा सकता है। अब ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर क्या बता रहा होगा हमको, तीसरा वेक्टर मतलब वी आर, और वी आर की डायरेक्शन इनसे ऑपोजिट होगी, मतलब ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, और इधर जाएंगे तो ऐसे नहीं जाना है हमें, बल्कि डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देना है, इनसे अलग, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये आ गया हमारे पास में तीसरा वेक्टर वी आर वेक्टर। अब ये वी आर एम पता था आपको, वी एम पता था, वी आर पता करना है, इसकी डायरेक्शन भी और इसका मैग्नीट्यूड भी, तो अब बस वेक्टर की ज़रूरत नहीं और ना ही ज़रूरत है अब रिलेटिव वेलोसिटी की, अब आपका काम हो गया है। अब आपको मालूम है कि ये डायरेक्शन वर्टिकल है, ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है,
हमको ये एंगल बतला देना है, वर्टिकल से ये एंगल कितना बना, तो ये निकल आएगा वी आर, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद वर्टिकल, ये एंगल निकल आएगा। और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। और यदि ये राइट ट्रायंगल है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हाइपोटेन्यूज है, तो वी आर इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ इसका स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब 125, रूट ऑफ 125, यानी 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ये रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब स्पीड आ गई, ये स्पीड हमने निकाल दी रेन की। अब निकालेंगे हम उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हमको ये थीटा फाइंड आउट कर देना है, ये थीटा, और थीटा फाइंड करने के लिए ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो हम बस इसका टेंजेंट ले लेते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू ये कितना है 5 परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है 10, यानी हाफ, यानी हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स हाफ। और डायरेक्शन कहते समय ये कहेंगे कि द रे डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एट एन एंगल 10 इनवर्स 1/2 विद वर्टिकल, और ये ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दो इसके आंसर्स हैं, ये रेन की स्पीड और ये उसकी डायरेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो इस स्टेटमेंट पर ध्यान दें, तो यहाँ स्टैंडिंग मैन बोला हुआ है, स्टैंडिंग मैन का मतलब ग्राउंड ही होता है, ग्राउंड के रिलेटिव या स्टैंडिंग मैन के रिलेटिव एक ही बात होगी। तो ये जो दिया हुआ है हमें स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ऑब्जर्व्स का मतलब वो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसा नहीं है, वो है रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वो मैन स्टैंडिंग है। फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल, तो यहाँ हमको ये समझना पड़ेगा कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी है उसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो है 30 डिग्री विद वर्टिकल, ये उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो ये एक वेलोसिटी हमको गिवन है। अब पार्ट ए में हमसे कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी विद विच द मैन शुड मूव सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम, मतलब हमको ये फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मैन, किस वेलोसिटी से उसे चलना चाहिए कि ये जो रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वो उसे अपीयर होने लगे वर्टिकल, मतलब दूसरी चीज़ ये निकालनी है हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि इसके बारे में उसने कहा है कि उसे वर्टिकल अपीयर हो रही है। तो इसका वेक्टर डायग्राम बनाने के पहले वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे, तो वेक्टर इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि वी आर एम इज इक्वल टू वी आर वैक्टर माइनस वी एम वैक्टर। अब इसमें से इसे हमें वर्टिकल बनाना है, तो इसको हम वर्टिकली शो कर देते हैं। हाँ, ये शो कर दिया मैंने, दिस इज वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि उसे वर्टिकली वो अपीयर हो रही है, और हमें मालूम है कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हमको रखना होती है, तो मैन को हम ऐसे चला देंगे, ये हो गया मैन। तो इनकी इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हो गई, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी क्योंकि ये रिजल्टेंट है, तो ये हो जाएगा वी आर, वी आर वैक्टर। तो ये वी आर वैक्टर कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, ये आ गया वी आर, और वी आर के बारे में हमको बताया हुआ था। आप पहले यदि वी आर बना लेते तो भी बात बन सकती थी, ये वी आर पहले आप बना लेते किस एंगल पर, तो ये एंगल हमको गिवन है वर्टिकल से 30 डिग्री पर, यानी ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आप पहले यदि इसे ड्रॉ कर लेते, इसे ड्रॉ कर लेते, तो ये अपने आप आपको मिल जाता, ऐसा वेक्टर ट्रायंगल बना लेंगे। हमको बताना क्या है, हमको बताना है वी एम, तो बस ये यदि 30 है तो ये 60 डिग्री होगा ये एंगल, और ये वी आर हमको गिवन है 20 इन मैग्नीट्यूड, तो
ये इस ट्रायंगल के लिए क्या बनेगा, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये बेस होगा, और बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, यानी वी एम इज इक्वल टू हो जाएगा 20 cos 60, और cos 60 होता है हाफ, यानी ये आ गया 10 meter per second। तो ऐसे सवालों को वेक्टर ट्रायंगल से करने में आसानी हो जाती है। सिर्फ इतना याद रखना है कि इसे रिजल्टेंट बनाना है, इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट रखना है, ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे होते हैं, इनकी डायरेक्शन सेम सेंस या सेम ऑर्डर में होगी, ये ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। तो ये निकल आया पहले सवाल का जवाब। अब पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं, नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीज हिज स्पीड, रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल विद 20 meter per second एट 30 degree विद द वर्टिकल, फाइंड हिज न्यू वेलोसिटी। मतलब ये कि अब वो अपनी स्पीड इंक्रीज करता है, ये है उस मैन की स्पीड इस ट्रायंगल में, इस वेक्टर ट्रायंगल में ये वी एम है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसी को वो बढ़ाता जाता है, और बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है कि उसे रेन 20 meter per second से 30 degree के एंगल पर वर्टिकल से इस तरह आती हुई महसूस होती है। मतलब वी आर एम 20 meter per second हो गया 30 degree पर। अगेन इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पहले उन्होंने हमसे ऑब्जर्व्स बोल दिया था, जब वो स्टैंड कर रहा था ग्राउंड पर, तब की वेलोसिटी के कंटेक्स्ट में ये इसको ऐसा बोला हुआ है। अदरवाइज ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो अभी भी ऐसी ही रहेगी, यानी सिचुएशन ऐसी है। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वी आर, और इसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, ये वी आर वेक्टर है और ये है 20 के बराबर इसका मैग्नीट्यूड। ये मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस बनाई हुई हैं, और पहली सिचुएशन ये थी कि ये मैन की वेलोसिटी थी पहले, और ये थी डायरेक्शन वी आर एम की। अब हमसे क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो मान लो ऐसा हो जाए, वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, इतनी हो गई, तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, ये क्या है, ये है वी एम वेक्टर। तो अब रिजल्टेंट पहले जो ये था, अब वो रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा, और थोड़ी वेलोसिटी यदि वो इंक्रीज करेगा तो रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा। रिजल्टेंट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि इस ट्रायंगल में यह है वी एम, ये है वी आर, ये अनचेंज रहेगा और ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ये बदलता जाएगा वी आर एम। इस सिचुएशन में ये वी आर, ये वी एम, ये था पहले वी आर एम, स्पीड बढ़ाने से वी आर एम अब ऐसा हो जाएगा, और स्पीड बढ़ेगी तो वी आर एम और बढ़ जाएगा, ऐसे होते होते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो रेन उसे 30 degree के एंगल पर आती हुई महसूस होगी, यानी ये हो गई सिचुएशन तब की, जब वो रेन, मतलब कौन, वी आर एम, वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल से किस एंगल पर, 30 degree के एंगल पर आती हुई से महसूस होने लगी, जब उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करते हुए इतनी कर ली। अब ये है नई वेलोसिटी, मैन की नई वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो अभी भी ऐसा ही रहेगा, और ये एंगल हमको ऑलरेडी पता था, ये हमें मालूम था कि ये 30 degree है, और अब ये जो इस ट्रायंगल में ये होगा, ये वी आर एम हुआ। अब इसको हम वेक्टर की इस इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं, हमें मालूम है कि वी आर एम और वी एम की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो है वो वी एम और वी आर एम, और ये उनका रिजल्टेंट है वी आर। तो इस वेक्टर ट्रायंगल से अब हम ज्योमेट्री पे आ जाएं, ये 30 है तो यह एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 60, ये 30 है तो यह एंगल कितना होगा 60, तो तीसरा भी एंगल 60 degree हो जाएगा। मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की यदि ये साइड, क्योंकि एक वेक्टर है वी आर जिसका मैग्नीट्यूड है 20, तो ये यदि 20 है तो इसे भी क्या होना चाहिए 20, यानी जो वी एम न्यू है, नई वेलोसिटी, वो हो जाएगी 20 meter per second, और यही इसका आंसर है। तो इसको आसानी से इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, हम चाहें तो उसे रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं, पर ये आसान होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इजीली हम आंसर कर सकते हैं। मैं एक बार और आपको जल्दी से समझा देता हूँ, क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि ये थी पहले की सिचुएशन, ये था वेलोसिटी ऑफ मैन, ये था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अब वो मैन अपनी स्पीड इंक्रीज करता जाता है, तो ये वेक्टर चेंज होगा जैसा हमने यहाँ दिखाया। वी एम यदि इतने से इतना हो गया तो ये वी आर एम नया, और स्पीड बढ़ी तो ये नया वी आर एम, होते होते एक सिचुएशन ऐसी आई कि वी आर एम 20 मीटर पर सेकेंड से ही उसे महसूस हुआ, और किस एंगल पर, वर्टिकल से 30 डिग्री पर। तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ये उसकी नई वेलोसिटी हो जाएगी। ये 30, ये ऑलरेडी 30 हमें मालूम था, ये दोनों एंगल 60, तीसरा भी 60 हो जाएगा, तो तीसरी साइड ये जो ये 20 है ये भी 20 है, तीसरी साइड भी 20 होगी, किसी भी तरह से बोला जा सकता है। तो आंसर इसका होगा 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब वो अपनी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड कर लेगा तो रेन उसे वर्टिकल से 30 डिग्री पर आती हुई महसूस होगी। खड़े हुए भी यही हो रहा था और चलकर भी उसे इसी एंगल पर मिल रही है रेन, पर आप देख रहे हो कि वो डायरेक्शंस अलग हैं, एक बार वो इधर से आ रही है, एक बार वो इस तरफ से आ रही है, मतलब आंसर्स एक नहीं है दोनों केसेस में। तो ये एक और प्रॉब्लम हमने की। नाउ क्वेश्चन 12, ये उसी तरह का सवाल है जैसा अभी हमने क्वेश्चन 11 किया, उसी तरह की प्रॉब्लम है। अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर, क्या दिया हुआ है ये मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोड यानी ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, मैग्नीट्यूड में ये हमको गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, फाइंड्स मतलब उसने ऑब्जर्व किया, यानी ये गिवन है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये हमें बताया नहीं है कितना है, पर इसकी डायरेक्शन हमको बताई हुई है, फॉलिंग वर्टिकली वो ऑब्जर्व करता है इसको, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, जी इसकी डायरेक्शन हो गई वी आर एम की। ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर, पहले 8 थी, अब उसने कर ली ये, इसको हम वी एम डैश कह देते हैं, वी एम डैश वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। तब उसको वो रेन अपियर होने लगती है, अब उसको वो रेन अपियर होने लगती है वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर, मतलब ये चेंज हो गया वी आर एम, इसको डैश भी कह सकते हैं। ये कैसा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भले ही नहीं मालूम हमको, इसका हमको सिर्फ डायरेक्शन मालूम है, कैसा वो अपियर होने लगा 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो करना क्या है, करना ये है फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द रोड, मतलब वी आर हमको चाहिए है एक्चुअली टू फाइंड वी आर वेक्टर, वी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों पूछा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम पहली सिचुएशन पर आते हैं, पहले यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला तो हमें मालूम है, हम जानते हैं ऐसा सब होने वाला है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और इसमें हम इन्हें सेट करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला हुआ है हमसे, मैन की वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये पहली सिचुएशन में जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, वी एम वैक्टर मैंने शो किया हुआ है, और जैसी वी एम वैक्टर की डायरेक्शन वैसा ही वी आर एम, तो वी आर एम ये हो जाएगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज 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 ना होकर एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, और यहाँ मैं इस डायरेक्शन को सपोज कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया वर्टिकल। ये पहले की सिचुएशन जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, ये थी वेलोसिटी रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आगे क्या हुआ, दूसरी सिचुएशन में ये वेलोसिटी जो पहले कितनी थी 8, अब उसने कितनी कर ली 12 किलोमीटर पर आवर कर ली, इसका मतलब इस वेक्टर को थोड़ा हमें लॉन्गर बनाना पड़ेगा, ये हो गई नई वेलोसिटी मैन की, वी एम डैश वेक्टर, ये हो गई नई वेलोसिटी मैन की, पर रेन की वेलोसिटी तो अभी भी उतनी ही रहेगी, जो कुछ भी वो है
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इस वेक्टर को हम यहां पर ऐसा ही शो कर देंगे वापस। ये हो गया वी आर वेक्टर। पहले ये सिचुएशन थी, पहले उसे रेन वर्टिकली आती हुई महसूस हो रही थी, पर अब ये वेक्टर चेंज हो जाएगा क्योंकि वी एम अब इतना नहीं बल्कि ये यहां से यहां तक है, 12 हो गया है, यानी अब वेलोसिटी ऐसी उसे महसूस होगी। ये हमारा नया ट्रायंगल बन जाएगा। ये हो गया वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये वी आर हमें फाइंड ये करके बताना है। वी आर, वी आर का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब स्पीड चाहिए, और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रोड, और एंगल हमको बताया हुआ है कि ये महसूस कितने पर हो रही है। अब उसे स्पीड बढ़ाने के बाद ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये एंगल यदि 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और ये कितना था, ये था 8, और ये कितना है टोटल यहां से यहां तक, ये लेंथ, ये 12, यानी इतनी ये जो लेंथ है यहां से यहां तक ये है 4, और यदि ये 4 है तो हम इसको नाम कुछ दे दें, यदि समझ में आसानी से आ जाए तो ऐसे कुछ नाम हम रख देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ए बी, ये ए बी है 12, ए डी है 8, जैसा यहाँ हमने देखा था ये था 8, तो ये है ए डी 8 और ये है 12, तो ये हो गया 4। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल हमें मिल गया है 30 डिग्री, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सी डी फाइंड कर सकते हैं। यदि मैं बोलता हूँ 10 30 इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी में, इन ट्रायंगल सी डी बी 10 30 निकालूं यदि तो वो कितना होगा, परपेंडिकुलर विच इज 4 अपॉन बेस, ये सी डी, तो सी इसकी वैल्यू डाल दें यदि 1/√3 इज इक्वल टू 4/CD, इसका मतलब सी डी हमको मिल गया, सी डी इज इक्वल टू 4√3, ये हमको मिल गई लेंथ। अब इस ट्रायंगल में इस लेंथ के मिलने के बाद ये कितना आ गया है, 4√3। ये आने के बाद हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, और ये एंगल यदि हम फाइंड कर लेंगे से अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा होगा, और ये अल्फा एंगल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की हमको डायरेक्शन मिल जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो वी आर का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा, वो कितना होगा, वो होगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर 16 × 3 मतलब 48, यानी 64 प्लस 48 सीधे लिख दिया मैंने, तो ये हो गया टोटल 112। ये आ गई वेलोसिटी, वी आर का मैग्नीट्यूड निकल गया है। अब इसको ऐसा ऐड ना करके यहाँ 16 कॉमन लेके भी हम काम कर सकते थे, या अब आप इसको 16 × 7 लिख लो, और 16 × 7 में से 16 का रूट तो हो जाएगा 4, बच जाएगा √7 किलोमीटर पर आर में आंसर आ गया, वी आर का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब वी आर की हमें चाहिए डायरेक्शन, मतलब ये एंगल निकालना है अल्फा, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, यहाँ पर हम टेन अल्फा निकाल देते हैं इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में टेन अल्फा निकालें यदि, तो टेन अल्फा कितना होगा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 अपॉन बेस 4√3, यानी 2/√3, 2 बाय ये कैंसिल आउट होगा, 2/√3, यानी अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2/√3 विद वर्टिकल, ये इसका डायरेक्शन हो गया। इस तरह वी आर का मैग्नीट्यूड भी निकल आता है और उसकी डायरेक्शन भी आ जाती है, और यही इस सवाल के जवाब हैं।